बारिश होने के कारण गिरा घर, ग्रामीणों को नहीं मिला प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, जिसको लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज ब्लॉक अंतर्गत नेवादा गांव में कई ग्रामीणों के घर गिर गए, जिसमें अखिलेश कुमार, चंद्रावती देवी, मंदू कुमार ने बताया कि काफी बारिश होने के कारण घर गिर गया है, जिससे रहने के लिए ठिकाना नहीं है। पीड़ितों द्वारा बताया गया कि अभी तक हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। उनका आरोप है कि किसी भी सरकारी योजना जैसे शौचालय, आवास का लाभ उनको ग्राम प्रधान अंजनी राजभर द्वारा नहीं मिला है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान अंजनी पे आरोप लगाया कि आवास के लिए उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, पैसे न देने के कारण उन्हें आवास का लाभ नहीं मिल पाया है। विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि योजना का लाभ लेने के लिए वे सालों से भटक रहे हैं और लाभ न मिलने के कारण गरीब परिवार आज भी कच्चे मकानों में रहने के लिए मजबूर हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि योजना का लाभ के लिए वे कई बार संबंधित विभाग से लेकर अपने प्रतिनिधियों को भी अवगत करवा चुके हैं, बावजूद इसके उनकी इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है और वे आज भी कच्चे मकानों में रहने के लिए मजबूर हैं। इसके साथ साथ ग्रामीणों ने यह भी बताया कि इस गांव में कभी भी कोई सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं, जिससे साफ सफाई नहीं हो पाती है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में आने जाने वाला रास्ता पूरी तरह खराब हो चुका है, जिसकी अभी तक मरम्मत नहीं हुई, जिससे बरसात में पानी भर जाता है और आने जाने वालों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं को दूर किया जाए। इस मौके पर अखिलेश, सचिन, अंकुर, राकेश, गुड्डू, अरविंद, जय हिंद, शिवा, विंद्रेश, जलालू, गौतम, आशीष सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। टीवी न्यूज 100 के लिए आजमगढ़ से संवाददाता विजय मेहरा की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? चंद्रावती। चंद्रावती, हाँ। गांव कौन सा आपका है? नेवादा। और ब्लॉक कौन सा आपका है? महाराजगंज। और ये आपके ग्राम प्रधान कौन है? अंजनी। अंजनी राजभर, हाँ। अच्छा, क्या समस्या आपकी है? यही समस्या, घर द्वार गिर गया है और आवास वास नहीं मिल रहा है, हम लोगों की अपनी गरीबी है और फिर पाल डाल के गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, बरसात में आपका घर गिर गया है और ये आवास वास आपको नहीं मिला है? नहीं। तो प्रधान से आप लोग कहे थे? हाँ। तो क्या बताया गया आपको? वो कह रहे थे कि मिलेगा मिलेगा। यही क्या नाम है आपका? मंदू। और गांव कौन सा आपका है? ब्लॉक कौन सा आपका है? और यहाँ के प्रधान कौन है? अंजनी। और क्या समस्या आपकी है? बरसात का जो ठिकाना नहीं है, बरसात को गिर गया है घर, जो है कि रहने को नहीं है और आवास भी नहीं मिला है। आवास नहीं मिला आपको? अच्छा, प्रधान से आप लोग कहे थे आवास के लिए? हाँ, कहे थे, वो बोले थे कि पैसा दीजिए तब आवास दिएंगे हम। अच्छा, पैसा मांग रहे थे? हाँ, पैसा मांग रहे थे। अच्छा, ठीक। और ये क्या नाम है, बरसात में आपका घर गिरा है? हाँ, बरसात में गिरा है। अच्छा, चलिए ठीक है। और शौचालय वगैरह आपको मिला है कि नहीं? नहीं, शौचालय नहीं मिला। प्रधान के द्वारा आपको लाभ मिला है कि नहीं? कोई भी नहीं, कोई नहीं मिला है। अच्छा, चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार। क्या समस्या आपकी है? ये पीछे जो अभी देख रहे हैं हमें, यहाँ पर ये कचरा भरा हुआ है, आप बता रहे हैं आपको आने जाने में दिक्कत है, तो ये प्रधान कौन है यहाँ का? अंजनी कुमार राजभर। और गांव कहाँ कौन सा आपका है? नेवादा ग्राम। थाना कौन सा पड़ता है? सुल्तानगंज। और ब्लॉक कौन सा है? महाराजगंज। तो ये प्रधान यहाँ के जो है, ये साफ सफाई का जो सफाई कर्मी आते हैं कि नहीं यहाँ पर? सर आते हैं, 6 महीने में एक बार आते हैं, वो भी साफ सफाई इच्छा से नहीं करते हैं, लेबर लेकर आते हैं, आप लोग बस इधर उधर कर देते हैं, हो गया। अच्छा, यही। और ये जो पीछे खड़ंजा उड़ंजा नहीं लगा यहाँ पर, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर, इसके बारे में हम यही चाहेंगे कि सरकार से दस्तखत करेंगे कि यहाँ पर बनाने की कोशिश करें, यहाँ के जो प्रधान है वो बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग कितना क्या करें। अच्छा, प्रधान से आप लोग कहे थे कि यहाँ पर आने जाने में दिक्कत है? हाँ, हम लोग कहे थे। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हुई आप लोग? अच्छा, बारिश में यहाँ पर बताया जा रहा पानी भी लग गया था? हाँ, बारिश में बहुत ज्यादा पानी लग गया था। अच्छा, ठीक है।